एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। यूपी के जौनपुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और हत्यारा पुलिस कस्टडी से फरार भी हो जाता है। हत्या से पहले पत्रकार स्थानीय भाजपा नेताओं पर आरोप लगाता है, लेकिन यूपी में तो रामराज है और रामराज में भला हत्या जैसा कृत्य कैसे हो सकता है। यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना होकर भी नहीं होती है और ऐसी घटना अगर गलती से सामने आ भी गई तो हमारा मीडिया और सोशल मीडिया सत्ता का इतना गुणगान करता है कि आरोप लगाने वाला खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब आरोप लगे भी तो किस पर लगे? लगभग अपराधियों ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली है या भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है और भाजपा संरक्षण में पल रहे अपराधी इस कथित रामराज में फल फूल रहे हैं। अब वे भले किसी की हत्या कर दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूपी में इतना तो चलता है, यह तो मामूली बात है और पत्रकार की हत्या करना तो मामूली बात है। एक पत्रकार चीख चीख कर कह रहा है कि उसे स्थानीय भाजपा नेताओं से खतरा है, न जाने कब उसको गोली मार दी जाए या कब उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, न जाने वो घर पहुंच पाएगा कि नहीं। वो भाजपा नेताओं पर आरोप लगाता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। सुरक्षा तो दूर की बात, सोचिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पत्रकार है वो खुद सुदर्शन न्यूज में जिला ब्यूरो के तौर पर कार्यरत है, साथ ही भाजपा का नेता भी है। बता दें कि यूपी के जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के मामले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मृतक पत्रकार स्थानीय बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। नाम पूछे जाने पर वे कहते हैं कि अगर नाम बता दिया तो घर तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए किस तरह का खौफ यूपी में फैला हुआ है। और योगी सरकार कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। सही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी में वाकई गुंडा राज समाप्त हो गया है, क्योंकि लगभग गुंडे तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। खैर, बता दें कि पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या का मुख्य आरोपी जमीरुद्दीन है, लेकिन पत्रकार आशुतोष ने अपनी हत्या का अंदेशा पहले ही जता दिया था। वैसे तो पत्रकार आशुतोष खुद भी भाजपा नेता और पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए थे। अब वही पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या का मुख्य आरोपी जमीरुद्दीन मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन से बुधवार की रात फरार हो गया। पुलिस कस्टडी में ट्रांजिट रिमांड पर उसे मुंबई से जौनपुर लाया जा रहा था। इस लापरवाही पर एसपी ने शाहगंज कोतवाली के उपनिरीक्षक मनसाराम गुप्ता को और कांस्टेबल ब्रिजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया है। खैर, आशुतोष श्रीवास्तव का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त अपनी जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो के आने के कुछ ही दिनों बाद आशुतोष की हत्या हो जाती है। अब ऐसे में यूपी की योगी सरकार पर आरोप लगने लाजमी है। अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हो सकता है मैं मर न जाऊं या मुझे कम मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। मुझे धमकाया जा रहा है कि आप क्यों फालतू, क्या मतलब है, क्यों पीछे पड़े हो, अपना परिवार देखो, क्या मतलब है। मैं आप लोगों के माध्यम से ही चाहता हूँ मुझे सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। नेता कौन है, उनका नाम बताएं? नहीं, नाम क्या बताएं, नाम क्या चाह रहे हैं पूछ के। अभी नाम बताएं तो घर नहीं पहुंच पाए हम, कुछ वहीं के स्थानीय नेता हैं, दबंग नेता हैं। अब उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के ही नेता है। मुझे तो लगता है कम मरा जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है मेरा। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।